ठीक है ना, बोलिए। माननीय गण, सभी मंडल मंत्रिमंडल और तमाम माननीय अतिथिगण, सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार, नमस्कार। झारखंड का एक नहीं बल्कि हजारों युवा आपके पास एक फरियाद लेके आए हैं। ये मांग नहीं, मांग पत्र नहीं हमारा, बल्कि ये हमारे पूरे जिंदगी की कमाई है। हम लोगों ने पिछले कई सालों से बहुत मेहनत किया था सर, लेकिन वो चीज हमारा सब कुछ बर्बाद होते दिख रहा है। पिछले 6 साल से केवल किताबों को पढ़ रहे हैं सर। मैं उन्हीं मांग को आपके सामने देना चाहता हूँ। मैं सभा के सामने अपनी मांग को रख रहा हूँ। भरोसा शांति सेवा में मुख्यमंत्री झारखंड सरकार करिश्मा विषय राज्य के वर्तमान 3rd एवं 4th ग्रेड की नियुक्ति प्रक्रिया में अविलंब आवश्यक संशोधन कराने हेतु सामूहिक प्रार्थना पत्र। महाशय, अपार दुख के साथ ये सूचित कर रहा हूँ कि राज्य में पिछले 5 वर्षों से कोरोना काल की लंबी बाधित अवधि, झारखंड की विवादित नियोजन नीति के कारण 3rd एवं 4th ग्रेड की सभी नियुक्तियाँ लगभग प्रभावित रही हैं एवं दिनांक 16/12/2022 को WPS नंबर 3894/2021 के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान नियोजन नीति को भी पूर्णतः रद्द कर दिया गया है। वही शुक्रगुजार के साथ यह भी कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार द्वारा झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप विगत दिनांक 14/9/2022 को झारखंड कैबिनेट में एवं 11/12/2022 को ही झारखंड विधानसभा में खतियान आधारित स्थानीयता एवं खतियान आधारित स्थानीयता को पारित किया जा चुका है, जिसे वर्तमान सभी नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही थी। अतः उक्त बातों को गंभीरता से लेते हुए तमाम वर्तमान एवं आगामी नियुक्ति प्रक्रियाओं में निम्न संशोधन की अति आवश्यकता समझा जाए और किया जाए। पहला नंबर पे मेरा जो मांग यहाँ पे है, मैं पहला नंबर पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि छात्रों की बहुमूल्य समय बचत को देखते हुए वर्तमान विवादित नियोजन नीति को लेकर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए, ये हमारी मांग इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा समय का बहुत बर्बादी होगा सर। दूसरा मांग, झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति को सुरक्षित किया जाए जो कि संवैधानिक हो। चौथा मांग कहा जा रहा है, तीसरा मांग, कोरोना काल के लंबी बाधित अवधि को संज्ञान में रखते हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा पात्रता उम्र सीमा में न्यूनतम 5 वर्ष की छूट दी जाए, चाहे वो JPSC हो या फिर JSSC हो। और एक मांग है कि सभी लंबित नियुक्तियों को 6 माह के अंदर पूर्ण किया जाए। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना के साथ राज्य के 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की वर्तमान नियुक्तियों में आवश्यक त्वरित संशोधन का आदेश निर्गत करें, ताकि हम झारखंडी आदिवासी मूलवासी के साथ उचित न्याय हो सके। और इसके लिए मैं तमाम झारखंड के उन तमाम रहनुमाओं का बहुत आभारी रहूंगा और मैं सबको अपनी तरफ से नमन करता हूं सबको। जो भी हमारी डिमांड्स हैं उस पे सबसे पहले एक कमेटी बनाई थी, कि जब सर ये नियोजन नीति बनी थी, मैंने मैम को सुझाव दिया था, मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया था। पुरानी बातें छोड़ कर आप अभी के बारे में जी, अभी सबसे पहले तो कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, सबसे पहले क्योंकि सर इसका टाइम और जो नीति बने, जो भी नीति बने उसके पीछे एक कमेटी बन जाए जिसमें कुछ कानून और हर एक साल जैसे 5 वर्ष योजना 8 वर्ष योजना दारोगा पुलिस का सशल साल दो साल तो बात समझ गई हो। चल अब हमारा बोले थे लाइए, देखिए मुख्य रूप से जो भी आपकी मांग आप सुन ही रहे हैं सर, बोलते रहे इतना तेज बोलते हैं सर। देखिए जो छात्र हित में निर्णय होंगे माननीय मुख्यमंत्री उसकी घोषणा करेंगे, हम आपकी भावना वहां तक पहुंचा देंगे। हम भी आपकी भावना के साथ लगभग सहमत हैं कि हम कानूनी अड़चनों में फंस के कानूनी अड़चनों को से दूर हटते हुए हम आपकी नियोजन नीति को यथाशीघ्र लागू करेंगे। हम लोग भी इस बात पर सहमत हैं, हम नहीं चाहते हैं
कि हम लोग इसको फिर कानूनी पचड़े में 6-8 महीने के लिए उलझाए। बिल्कुल हम लोग भी नहीं चाहते, पहली बात तो ये है। माननीय मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे लेकिन सैद्धांतिक सहमति आपकी बातों पर है। जी सर। दूसरी बात हम आपसे कहेंगे, खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति इसके संबंध में राय ले ली जाएगी। आपने जो कहा है हम आपकी बात भी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि 5 लोगों की कमेटी बने कम से कम, जिसमें एक कानूनविद भी हों। हम एकदम आपकी बात से सहमत हैं। तीसरी बात जो आपने कहा है उम्र सीमा में, उम्र सीमा को जहाँ तक शिथिल करने की बात है, कोरोना के पीरियड को मद्देनजर रखते हुए आपकी बात हम लोग पहुँचाएंगे। और हमको लगता है मैडम, या सब लोगों को लगता है कि ये 2 साल जो आपका अन्यथा गया है कोरोना में, उसको तो कम से कम हम लोगों को करना है। सर 5 साल सर 2017 के बाद कोई वैकेंसी आई ही नहीं। मेरा कहना है कि 2-1-3 वर्ष हो जाते हैं, जब 3 वर्ष की बात कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि कोरोना के दरमियान के 3 वर्ष की बात कर रहे हैं हम लोग। सहानुभूतिपूर्वक इस बात को करेंगे और चूंकि हम ये मानते हैं कि आज जो नियोजन नीति रद्द हुई है, जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उनकी उम्र सीमा पार नहीं हो जाए, ये जवाबदेही भी सरकार की है। बिल्कुल। हम अपने तरफ से इस बात की घोषणा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस बात के लिए सहमत होंगे कि पहला तो नया फॉर्म नहीं भराएंगे आपसे, जो फॉर्म आपने भरा है हम उसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। बहुत शानदार। और आपको उम्र सीमा में हम लोग शिथिल देंगे। जी जी। हम आपसे वापस से फॉर्म का पैसा नहीं लेंगे, हम उसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। जी सर। ये एकदम आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको जितनी जल्दी है सरकार को भी उतनी जल्दी। जी सर। हम लोग समय सीमा नहीं कह सकते हैं कि 15 दिन होगा कि 25 दिन होगा या 1 महीना होगा, लेकिन आप ये जानिए कि ये 1 से 2 महीना से ज्यादा नहीं जाएगा। आपकी बात से सहमत हूँ। इतना टाइम लगना है। 1 से 2 महीना से ज्यादा नहीं जाएगा। हम लोग भी सारा ताकत लगाकर आपका नियुक्ति नियमावली लाके नियुक्ति की प्रक्रिया को हम लोग सुचारू करेंगे। सहमत है। हम लोग तैयारी करके लगभग हम लोग की सिर्फ सांस बचा हुआ है सर। अब अगर समय सब बात हमने कह दी, आप वही बात दोहरा रहे हैं, सारी बात हमने कह दी सर। हम आपसे फॉर्म नहीं भरवाएंगे दोबारा। सर चुटिया थाना उनको बिठा कर रखा गया है। हम बात कर लेंगे, हम लोग एकदम बात कर लेंगे और वो निश्चित रूप से जाएंगे और आपसे हम लोग एकदम हाथ जोड़ के विनती करेंगे। आपको पढ़ना आपका काम है सर, आप पढ़िए। ए बाबू देख पढ़े ला नहीं, पढ़े काम तोर लागो, पढ़े घर जो सरकार पर भरोसा कर, मूलवासी की सरकार हो। हमने अपन बेटा भतीजा वास्ते ही नियमावली नहीं बनाई ले लिए, हमने तोहनिये वास्ते बनाई ले लिए और एकर बाद भी जितना दर्द तोरा हो ओकर से बेसी दर्द हमनी के है। हमनी के ज्यादा दर्द हो इसीलिए बोल लियो कि जितना गोटे तोनी भर लही हमने दोहरा के नहीं भरवे। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा सर। सर अबरी बेर जब भर लही दोहरा के नहीं भरे वो। हाँ अबरी बेर जब भर लही हमने ओकरे मान्यता दबे। आपने 3 साल का उम्र सीमा में छूट का सर बहुत स्वागत योग्य है। ये सर एक चीज कहना चाहेंगे सर, जो अंतिम मुख्य सर यहाँ पे वो 2017 में दरोगा तो सर 5 साल का 5 जाएंगे सर, लेकिन हम लोगों को दोनों ही पक्षों को देखना है। जी सर। हमें 2022 की नियुक्ति में 2016 के या 17 की अहर्ता जो है उसको भी हमको देखना है। जी सर। फिर भी हम आपकी बात से अवगत कराएंगे और उम्मीद है सर, ये सरकार का सर विषय है सर, आप चाहे आगे हम बोले ये बाबू तो नहीं अपन घर जा, हमने घर जो हमने छूट के भेज लाए, कभी नहीं मुड़े, हमने तोनी छूट के भेज लाए, हम तोनी काम करे वास्ते आ लियो सर। जी के बोले हाथ जोड़ के कहते सर 3 महीना परीक्षा ले लीजिए सर। एकदम होते है, एकदम होते है, नींद ना आए बाद को एकदम होते है, पारदर्शी तरीके से हो सर, पारदर्शी तरीके से भी हो, एकदम होते है, बाल हम लोग झड़ गए सर। अरे बाबू एकदम होते है, 3 महीना 3 महीना के ना होता सर, जिसे जेई नहीं घोटाला हुआ सर उस पे अब तक कमेटी नहीं बनाया सर। बहुत विषय एक साथ मत जोड़, अभी जो महत्वपूर्ण हो हाँ होगा करना। सबसे पहले सर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी लिखना चाहिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अभी नहीं हो लेने की मैम को सुन लीजिए प्लीज, मैम को सुन लीजिए। भाई सुदेव जी ने कह दी है आपको, हम लोगों को यहाँ चलते सत्र में निर्देश देकर के मुख्यमंत्री जी भेजे हैं
जितनी चिंतित आप लोग हैं या जितनी बेचैनी और हताशा आप लोगों को है, हम लोग देख पा रहे हैं कि वो भी उस बात को लेके उतने ही परेशान है जितने माननीय बैठे हैं सदन में, उनका यही स्थिति है। आप लोग जो भी दिए हैं वो तकरीबन सभी मुद्दों से हम लोग भी वाकिफ हैं और उस मानने लायक और सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। सैद्धांतिक रूप से हम लोग सहमत हैं, इसको जल्द से जल्द कैसे किया जाए इसका हम लोग प्रयास करेंगे। आप सब लोग अभी आंदोलन के पहले अपने परीक्षा की तैयारी में थे, मेरा आप लोगों से यही निवेदन होगा कि आप लोग जाके अपनी परीक्षा की तैयारी करें और आप लोगों को आगे आपके भविष्य के मैडम की परीक्षा होगा तब ना तैयारी होता है। तो दादा आपने निश्चिंत होकर घर जियो ना, एकदम घर जियो।